बहुत ही हमको सुंदर लगा है ये, बहुत प्रिटी है, यू कैन सी। तो मेरा दिल वॉज लाइक ये। अभी मैं घर आ गई हूँ। आज एक्चुअली शाम को हम लोग शॉपिंग करने गया था दिवाली के लिए। क्या हुआ? तो मैंने कुछ सामान लिया है, तो आई विल शो यू। सो फॉर दिवाली मैंने ये लिया है, और इसके साथ नीचे में पहनने के लिए इसको क्या बोलते हैं, स्कर्ट। इसको भी स्कर्ट ही बोलते हैं शायद, लंबा सा स्कर्ट है, और इसका बहुत ही हमको सुंदर लगा है ये, बहुत प्रिटी है, यू कैन सी, है ना। तो ये दोनों बहुत मैच करेगा, इसीलिए हमने ये लिया है। तो एक्चुअली आज जब रिलायंस ट्रेंड्स का अंदर घुसा था, तो मेरा प्लान था कि वहाँ पे व्लॉगिंग करने का, लेकिन ट्रायल रूम के अंदर में मेरा अंदर में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इशारा में बात कर रहा था, क्योंकि आमने सामने में पूरा आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो अगर हम वहाँ पे व्लॉगिंग करके बात करने से सामने वाला लेडीज़ जो, ये तो पागल हो गया क्या सोचना था, इसीलिए पब्लिक व्लॉगिंग में अभी तक हमको फिर बहुत सीखने के लिए बचा है लगता है। तो आई एम स्टिल न्यू, इसीलिए आई नीड सम कॉन्फिडेंस। तो अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, सो विश मी लक। उसके बाद हम जो है, मेरा जो बेटी है उसके लिए ये कुछ बैंगल्स लिया है। तो वो बैंगल जो है 50-50, एक का 50 रुपीज़ बोल रहा था, लेकिन कम करके 40 में लिया, तो दोनों का मिला के 80 रुपीज़। उसके बाद हम अपना लिए भी कुछ बैंगल्स लिया है। तो ये सब पहनने का तो हम लोग का ओकेजन होता नहीं, हम लोग ट्राइबल, ये ट्राइबल कम्युनिटी में ये सब तो पहनता नहीं है, लेकिन ये सब जो इंडियन जो फेस्टिवल्स ये सब होता है, उसमें हम लोग को बहाना मिल जाता है ये सब पहनने का।
अदर डेज में तो हम लोग पहन नहीं सकता है, तो ये सब बेंगल्स ये मेरे लिए लिया है, सो प्रिटी सी, तो इसको हम दिवाली में पहनते हैं। और मैंने कुछ क्रैकर्स का तो हम पहन नहीं है क्योंकि बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है, तो मैंने कुछ फुलझड़ी और अनार लिया है। अनार को एक्चुअली हम लोग ना बचपन में कोल घास बोलता था, कोल घास क्यों बोलता था वो पता नहीं, कोल घास एक असमिस वर्ड है, तो क्या रीज़न से बोलता था आई स्टिल डोंट नो। वीडियो बनाते बनाते एक विजिटर आया है, देखिए। तो मेरा जो ये गवर्नमेंट क्वार्टर है ये थोड़ा जंगल एरिया में है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह के कीड़े मकोड़े और अलग अलग का प्राणी जीव जंतु यहाँ पे बहुत आते रहते हैं। सो इसको छोड़ देते हैं बाहर। दिवाली तो 24 को है लेकिन मेरा दिवाली तो आज से शुरू हो गया ऐसा लगा है, क्योंकि जब हम बिलिंग सेक्शन में गया है कपड़ा को ये खरीदने के लिए परचेज करने के लिए, तो मेरा जो रिवार्ड पॉइंट्स SBI में है उसके बाद कूपन 500 का रिडीम करने के बाद हमको 600 प्लस समथिंग ही पे करना पड़ा है, जबकि मेरा जो टोटल अमाउंट था वो 2000 प्लस था। तो जब हमको वो बिलिंग डेस्क वाला ऐसा बताया दैट यू हैव टू पे ओनली 600 प्लस, तो मेरा दिल वॉज लाइक ये। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सिंस माई चैनल इज टेकिंग इट्स बेबी स्टेप्स आपका सपोर्ट का हमको बहुत ही ज़रूरत है, इसीलिए आप प्लीज़ अपना फुल सपोर्ट दीजिएगा, और हम प्रॉमिस करता है कि आपके लिए एवरी वीडियो में इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कॉन्टेंट्स लेके आएगा। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो दिवाली पे होगा, सो उसको मिस मत करिएगा। तब तक के लिए हाय पला। ये है मेरा सुपुत्र तो चान।